समस्या ये है कि साहब, ये टोरंटो ने जो जब से ये आएगी, जब से है ना, हर व्यापारी का, हर गरीब का, हर पीड़ित का इन्होंने शोषण करने के अलावा इन्होंने कुछ काम नहीं किया पूरे आगरा जनपद में। और इससे मैं ही नहीं, समस्त पूरी जनता, पूरे उत्तर प्रदेश की, यहाँ ये टोरंटो है, वहाँ पर हर व्यक्ति इनसे कहीं ना कहीं पर पीड़ित है। मेरी समस्या ये है कि मेरे मीटर का जो संख्या नंबर है 6702732 39, मेरी ये है ना कि इन्होंने कंप्लेंट मैंने इन्होंने से करी कि ये मेरे यहाँ से गलत रीडिंग ले गई। जब मैंने अपना बिल देखा तो मैं बिल देखकर चौंक गया कि मेरा बिल का जो रीशू आता है, एक रेशू होता है हर चीज़ का, 1500 से 2500 रुपये महीने के बीच का, लेकिन जब मैंने अपना बिल देखा तो वो 7-8 हज़ार रुपये के बीच का बिल था, 7766 रुपये का बिल था इन्होंने मुझे दिया। इस देखकर मैं ना चौंक गया। चौंकने के बाद मैं आपको एक बात और बता दूं, इतने बड़े बिल को देख के मेरे पिताजी हार्ट अटैक के मरीज हैं, उनको देख के उनको बेचैनी हो गई। मैंने तुरंत हाल की हाल उनको डॉक्टर पर दिखाया, वो हाल की हाल मैंने मीटर रीडिंग को देखा तो गलती से मानवीय भूल से ये मीटर रीडिंग गलत ले गई। जब मैंने इनको कई बार इनको शिकायत करी, मैंने कम से कम इनके पास 7 से लेकर 8 बार शिकायत कर चुका हूँ और तारीख 26 से इनकी शिकायत मैं कर रहा हूँ, लगातार कर रहा हूँ मैं शिकायत। शिकायत करने के बाद एक व्यक्ति आता है बिना मेरे पूछे हुए, बिना घर पर आते हुए चुपचाप से मीटिंग रीडिंग ले जाता है। फिर मैंने इनको दोबारा कॉल किया, मैंने सर व्यक्ति आया कि ना मेरे पिताजी से मुझे कुछ बोला, ना आपकी तरफ से कोई कॉल आया, उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। फिर मैंने दोबारा कस्टमर केयर पर फ़ोन किया, बोला हम दोबारा भेजेंगे। फिर वो दोबारा व्यक्ति आता है, वो मीटर ले आता है, वो मीटर लगा के लगा देता है। मैंने कहा मैंने मीटर बदलने का तो कोई एप्लीकेशन नहीं दिया, ना मैं मीटर का कोई चार्ज दूंगा, लेकिन वो व्यक्ति मीटर ज़बरदस्ती लगा गया। उन्होंने कहा कि आपका मीटर जंप ले गया है। तो मैंने कहा मेरी रीडिंग के बारे में बताइए। जब मैंने उनको रीडिंग के बारे में बताया तो मेरी बात सही निकली और टोरंट की बात बिल्कुल गलत निकली। जो टोरंट की रीडिंग थी वो गलत ले गया था और उसके बाद उन्होंने मुझे गुलाबी पर्चे पर, इस पर्चे पर मुझे सही रीडिंग लिख कर दी। फिर क्या हुआ मैं? उसके बाद मैंने कहा कि सर मैं दुकानदारी करूँगा या व्यापार करूँगा। कोरोना के बाद से व्यापारियों की हालत बहुत ख़राब है और बहुत ज़्यादा पीड़ित हो चुका है व्यापारी कोरोना के बाद से। बिल पेपर लेके उन्होंने क्या कहा? बिल उन्होंने बिल देखा कि आपका समाधान हफ्ते भर के अंदर हो जाएगा। मुझे आज 25 तारीख से लेकर मुझे समझता हूँ तकरीबन एक महीना चक्कर लगाते लगाते और कस्टमर केयर पर बात करते हुए हो गया। कस्टमर केयर वाले कहते हैं कि सत्या अधिकारी पर जाइए, उस अधिकारी पर जाइए, आप एक बात बताइए। मैंने कहा कस्टमर केयर नंबर को बंद कर दीजिए, अगर आप समस्या का समाधान नहीं कर सकते हैं तो कस्टमर केयर नंबर को बंद, मैं दुकान खोलूँ या इनके चक्कर लगाता फिरूँ। फिर मैं थाना तालगंज में गया, मैंने इनकी शिकायत मैंने डिप्टी सीएम साहब से की है, मैंने इनकी शिकायत ऊर्जा मंत्री से करी है, मैंने इनकी शिकायत माननीय मुख्यमंत्री पोर्टल पर डाला है, मैंने इनकी शिकायत थाना ताजगंज के लिए दी है। थाना ताजगंज से डिवीजन इंचार्ज जी ने टोरंटो ऑफिस में टोरंट कर्मी को बुलाया है, कर्मचारी अधिकारी कर्मचारी जो भी हो उन्हें बुलाया मेरी समस्या के समाधान के लिए।